नमस्कार, स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। तो ये सुनते हैं उपन्यास निर्मला का आखिरी भाग है, मेरे साथ यानी आपके अपने नीति के साथ। दिन गुजरने लगे, एक महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी ना लौटे, कोई खत भी ना भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वे लौटकर ना आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता ना होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, वह कहां मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर व्योत करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उसमें कुछ ना कुछ रोज ही कमी होती जाती थी। निर्मला को उसमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती, लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता तो वाणी भी अग्नि में हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी सी थी, पर अब उसकी गणना कक्षाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी, उसके शब्दों की कोमलता न जाने का हो गई। भावों में वह माधुर्य का कहीं नाम भी नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर यह आठों पहर ही बक बक उसे भी ना सह सकी। एक दिन उसने भी घर की राह ली, यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती थी। रुक्मणी हुरोई हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार चुमकार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह है सुधा से बात करना। वह वहां जाने का अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वह अपने साथ ना ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वह वहां जाकर हंसी खेलती थी, अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुठ्ठियां बांध कर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना ना छोड़ती थी, इसलिए निर्मला उसे साथ नहीं ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वह उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटु भाषणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलोले करने लगती थी। यहाँ आते वक्त वह मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन ही में रखती थी। वह यहाँ रोने के लिए नहीं हंसने के लिए आती थी, पर कदाचित उसके भाग में यह सुख भी नहीं बना था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर को या तीसरे पहर से सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करके गई थी, डॉक्टर साहब अस्पताल करने जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे, महरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उससे समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे दो तीन मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और कैश खोल पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे, बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी हुई थी। साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक्की पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम न था कि यहाँ तुम हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है ना, जाने कहाँ उतार कर रख दी है, मैंने समझा शायद हो। निर्मला सनी चारपाई के सहारा ने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाए। डॉक्टर साहब ने निर्मला को दो एक बार पहले भी देखा था, पर इस समय के से भाव कभी उसके मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वो बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वे आज पवन का झोंका पाकर दहक उठे। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वे बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया,
हाँ जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिक्र पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती होगी। फिर भी वे बाहर नहीं आए। उनके मन में घोर द्वंद बचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरता का कच्चा तागा उनके जवान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी इसी वक्त जाती हूँ। भीरता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होंगी, अभी न जाओ। रोज सुधा के खाते से बैठती हो, आज मेरी खाते से बैठ जाओ। बताओ कब तक इस आग में चला करूं? सत्य कहता हूं निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहसों वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए सिरोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत ही ना पड़ी। निर्मला जो ही द्वार पर पहुंची, उसे सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा को निर्मला ने उसे अवसर न दिया, तीर की तरह झपट कर चली। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही, बात क्या है? उसकी समझ में कुछ ना आ सका। वह व्यग्र उठी, जल्दी से अंदर गई, महरी से पूछने लगी कि क्या बात हुई। वह अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे मालूम हुआ कि महरी या और किसी नौकर से उसे कोई अपमान सूचक बात कह दी है तो खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वह अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा तो पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई तो थी सुधा, किसी महरी हरी ने उसे कह दिया था क्या? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधा, किसी ने जरूर कुछ कहा है, देखो मैं पूछती हूँ ना, ईश्वर जानता है, पता पा जाऊंगी ना तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिर पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहने नहीं सुना, तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा। सुधा, वाह देखा ही ना होगा, उसके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूँ, उन्होंने मेरी ओर ताका भी नहीं, पर बोली कुछ नहीं, इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे, हिचकचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठ कर देख कर चली गई होगी। बस किसी महरी ने कुछ कह दिया होगा, नीच जात है ना, किसी को बात करने की तो तमीज है नहीं। अरे वो सुंदरियां जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हूँ? वहां से सीधे दरवाजे की तरफ गई, महरियों से बात तक नहीं हुई। सुधा, अच्छा तो फिर तुम ही ने कुछ कह दिया होगा, है ना? डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा, बोले, मैं भला क्या कह देता, क्या ऐसा गवार हूँ। सुधा, अच्छा तुम्हें उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए? डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा, जब वहां ना मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो, यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा किसी की चीज की जरूरत है, मैंने कहा हाँ जरा देखना यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं है, ऐनक सिराने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठाकर दे दी, बस इतनी ही बात हुई। सुधा, अच्छा बस तुम्हें ऐनक देते हुए झल्लाई बाहर चली गई है? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं चली गई, जाने लगी तो मैंने कहा बैठिए, वो आती होंगी, ना बैठी तो मैं क्या कहा करता। सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात को समझ में नहीं आती, मैं जरा उसके पास जाती हूँ, देखूं क्या बात है। डॉक्टर, हाँ तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है, सारा दिन तो पड़ा है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है, कहते हो जल्दी है। सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी रही थी। अम्मा क्यों रोती हो? सुधा लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है, मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, कोई बताता नहीं मुझे। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ कहा नहीं बहन, भला वहां मुझे कौन कुछ कहेगा। सुधा, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते आते ही रोने लगी? निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूँ और क्या। अच्छा तुम नहीं बतलाओगी तो मैं कसम दूंगी। कसम कसम ना रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूं? अच्छा खाओ मेरी कसम। अरे तुम तो नाहक की जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने ना बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें जरा भी प्रेम नहीं है, बस सब जवानी जमा खर्च है, मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती ना, और तुम मुझे गैर समझती हो, तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, अब जान गई हूँ कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई, उसने बच्ची को गोद से उतार लिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली,
सुधा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो, सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागनी ना होती तो ये दिन भी क्यों देखती। अब तो ईश्वर से प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी ये दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा से छिपा न रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक खिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वह ग्लानिमय कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंघनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। विमला ने इसे रोकना चाहा पर ना रोक सकी। देखते देखते वह सड़क पार कर गई और फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसके देह में प्राण ही नहीं। न स्नान किया न भोजन करने उठी। संध्या से उसे ज्वर होया। रात भर तेज तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन ज्वर ना उतरा। हाँ, कुछ कुछ कम हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था। अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में संपंदन की शक्ति ही न रही। सहसा रुक्मणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या बात है, ये तो बहुत रोती है दीदी। रुक्मणी, अरे रोत नहीं है, सिसकत है। रात भर चुपचाप पड़ी रही, थोड़ा दूध भेज दिया था, दूधो नहीं पी से यही मारे पता नहीं काहे का कहा होगा कहे रोत। निर्मला, आयरिन दूध ना दे गई थी जीजी। रुक्मणी, कहा तो रही कि पहले पिछला पैसा चुका दिया तो तुम्हार दिए नहीं, ठीक है तो अब क्या करी। निर्मला, हम मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल दे गर्म हो गई थी। रुक्मणी, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, क्या कुशल से तो है। रुक्मणी, कुशल से कहा है लाश उठाने की तैयार होती है। को कहा थे जहर खाए ली ने, और को कहा थे कि दिल का चलना बंद होगा रहा, भगवान जाने कहा भा रहा। निर्मला ने ठंडी सांस ली और रोंधे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी। ये कहते कहते वह रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब तक बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थर थर कांप रहे थे, दीवार थामे खड़ी थी, पर जीना मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कह दिया। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं, न जाने मेरी बातों का वे क्या मतलब समझ गई। हाय, ऐसे रूपमान दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का ये अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का ये भीषण परिणाम होगा तो वे जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। ये सोचकर ही मेरी निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का ये हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहा हो। वह डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी, बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई और दोनों देर तक रोती रही। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया, निर्मला ने पूछा, ये क्या हो गया बहन, तुमने ये क्या कह दिया। सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी ही बार दे चुकी थी। उसकी मन जिस उत्तर से शांत हो गया था वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो ना रह सकती थी बहन, क्रोध की बात क्रोध पर ही आती है। निर्मला, मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात भी ना कही थी। निर्मला, सुधा तुम कैसे कहती, कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वह कह दी थी, उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए, अवसर और घात मिले तो वह अवश्य पूरी हो, यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत ऐसा शब्द जबान पर ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा था। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा है। अब मालूम हुआ कि उसकी आंख झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर में ना आने देती, कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी ना पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मन में कुछ और मुंह में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसा सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल है। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। एक महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया था। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था।
दूसरे मकान थोड़ा किराए का था, ये तंग गली में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन, न प्रकाश जाता न वायु, दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का ये हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से जाए कौन, फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए। औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या है। अगर ये वक्त खा लिया तो दो दिन के लिए छुट्टी हो गई, बच्ची के लिए ताजा हलवा या रोटियां बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों ना बिगड़ता। चिंता, शोक, दुर्वस्था एक हो तो कोई कहे, यहाँ तो त्रेताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा ली थी, करती ही क्या, थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश ही कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना ना था वहां दवा का जिक्र ही क्या, दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू इसरा कब तक घुला रखोगी, जी से जो दो जहान है चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना है उसका मर जाना ही अच्छा है दीजी। अब बुलावे से तो मौत नहीं आती ना बच्ची, निरुक्मणी ने कहा। निर्मला, मौत तो बिन बुलाए आती है, बुलाने में क्यों ना आएगी, उसके आने में बहुत दिन लगेंगे पर आएगी जरूर, जय दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मणी, दिल ऐसे छोटा ना करो बहुरानी, भाई संसार का सुख का देखू है तुम, और तुम्हारा बच्चे तो बहुत छोट है, एक का हो। निर्मला, अगर संसार का यही सुख है तो इतने दिनों से देख रहे हैं तो उससे जी भराया है। सच कहती हूँ दीदी, इस बच्ची का मुंह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती, ना जाने इस बेचारी के भाग में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया है, द्वेष का लेश भी नहीं रहा। कोई काम करती हो निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ती है, घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रहती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है, वही बालिका अब उसके जीवन का आधार है। रुक्मणी ने जरा देर बाद कहा, बहुरानी तुम इतना निराश काहे हो तो, भगवान चाहिए तो तुम दो चार दिन में ठीक हो जाई हो, और अपने साथ हम वैद्य जी के पास चलो, अपने बहुत बड़े वैद्य जी हैं, कुछ ना कुछ दवा पानी जरूर दे दें। निर्मला, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फायदा नहीं करेगी, आप मेरी चिंता ना करो, बच्चों को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ, अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ ना कर सके, केवल जन्म देने भर की अपराधनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले ना मढ़िएगा, इतनी ही आपसे विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा नहीं की, इसका बहुत दुख हो रहा है, मुझे अभागनी से किसी को सुख नहीं मिला, जिस पर मेरी छाया भी पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आए तो उसे कहिएगा कि इस कर्म जली के अपराध क्षमा कर दे। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हार कौन अपराध नहीं है, ईश्वर से कही थे तुम्हारी ओर से मन में हमारे जरा कंचो मैल नहीं है, हम तुम्हार सदैव तुम्हें साथ हरदेव धोखा और छल और कपट किया है, एक हमका जिंदगी भर दुख रहे, मरते दम तक एक हमका दुख रहे। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी कहने की बात नहीं पर बिना कहे रहा नहीं जाता, स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा है, लेकिन मैंने कभी मन से भी उनकी अपेक्षा नहीं की, जो होना था वह तो हो ही चुका था, अधम करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती भला। पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया होगा जिसका वह प्रायश्चित करना पड़ा इस जन्म में, हाँ इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्चे की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके चरित्र जीवन की संपूर्ण विम्त कथा की वृद्ध आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ। तीनों दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही, वह ना किसी से बोलती थी, ना किसी की ओर देखती थी और ना किसी का कुछ सुनती थी, बस रोई चली जाती थी, उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता था। चौथे दिन संध्या समय अभिपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, लाश बाहर निकाली गई, कौन दाह करेगा ये प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बक्सा लटकाए आकर खड़ा हो गया, ये मुंशी तोताराम थे। समाप्त।